अब इसमें है इंपॉर्टेंट टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आते जाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कैसे 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 हम इसके टर्म्स को यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला आता है सेंट्रल मेटल एटम, किसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, इसे बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो जो मेटल आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। द मेटल एटम और आयन, द मेटल एटम और आयन विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा किससे, विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स, जो कौन कौन डोनेट करेगा, लिगेंड्स या मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लिगेंड्स हम जनरल वर्ड यूज कर देते हैं, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं लिगेंड्स। ठीक है, तो द सेंट्रल मेटल एटम या जस्ट सेंट्रल मेटल एटम भी कह सकते हैं इसके लिए, कि जो मेटल एटम या आयन्स होता है विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स या मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उसे ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसके बाद इसका मतलब इसके पास क्या खास बात होनी चाहिए सर, लिगेंड क्या होते हैं जिसके पास लोन पेयर होता है, अभी ये आएगा, इसके बाद उसी की डिफाइन है। लिगेंड्स का बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें। तो सेंट्रल मेटल या आयंस होता है जो, इसके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव, मस्ट हैव नियरली सेम वैकेंट डी ऑर्बिटल, नियरली सेम एनर्जी वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए इसमें। अगर वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कहां से करेगा, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसको एक और कह सकते हैं कि जो मेटल आयन होता है या मेटल एटम होता है विच इज अटैच्ड टू लिगेंड्स, विच इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स, कुछ भी तरीके से कर सकते हैं, मेटल एटम या आयन्स विच इज अटैच्ड बाय मॉलिक्यूल या लिगेंड्स, जो मॉलिक्यूल से या लिगेंड से क्या होता है, अटैच होता है, विच इज अटैच्ड बाय लिगेंड्स, जो लिगेंड से अटैच होता है। लिगेंड्स अभी आएगा, इसके बाद लिगेंड्स का ही नंबर है और ये बहुत डीप में आपके पास यहाँ पे लिगेंड्स। तो मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसके पास कम से कम वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जिसकी एनर्जी लगभग सेम है, और ये क्या करता है, लिगेंड से अटैच रहता है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड का नाम लिख दिया K4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने MN और यहाँ लिख दिया H2O का 6। अब बताओ इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, सर MN। हाँ MN, जो ये ब्रैकेट के बाद आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CA और यहाँ पे लिख दिया FeCO का होल 4। अब इसमें बताओ सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, सर Fe। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया Na
और यहाँ पे लिख दिया सी ओ सी एन सिक्स और ये लिख दिया फोर। इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है सर? सी ओ। जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा यहाँ पे डी ब्लॉक का, ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो जो लिगेंड से अटैच होता है, लिगेंड कौन है यहाँ पे? सी एन सी ओ या एच टू ओ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसे लिगेंड्स कहते हैं। ये अभी इसके बाद लिगेंड की डिफाइन है, लेकिन जनरली इनके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तभी तो डोनेट करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, वो डोनेट कहाँ से करेगा? तो उसे लिगेंड्स नहीं बोलेंगे। तो लिगेंड्स जनरली कहते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे लिख लो। Yes, it is. अब इसके बाद है आपका लिगेंड्स। अब यही बहुत डिटेल में आएगा आपके पास, लिगेंड्स होते क्या। तो सेकंड पॉइंट इसमें आता है लिगेंड्स। अब ये सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स में पूरी कहानी, यहां से लेके लास्ट तक पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए इनको अच्छी तरह से समझ लेना। लिगेंड्स क्या हो सकते हैं? कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तीनों तरीके के होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें द मॉलिक्यूल और आयंस कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था न्यूट्रल तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस में प्लस या माइनस चार्ज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इनकी क्या खास बताइए आपको, द मॉलिक्यूल और आयंस विच डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? टू द सेंट्रल मेटल एटम। अब इसी में भी वही आ गया, देखो जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई भी हो जाए वो, उसी को हम लिगेंड्स कहेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके के कंपाउंड में लिगेंड्स मस्ट है, मस्ट है एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर ये लिगेंड्स का काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा लिगेंड्स में, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इसका मतलब लिगेंड्स ही नहीं है, उसको हम लिगेंड्स नहीं कह सकते। तो लिगेंड वो होंगे जिनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और वो किसको डोनेट करेगा? वो डोनेट करेगा आपको सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे कहेंगे हम लोग लिगेंड्स, ठीक है। ऐसे लिख लो। Yes, it is. हाँ, अब देखो लिगेंड्स में यहाँ पे आता है आपके पास टाइप ऑफ लिगेंड्स। अब एक चीज पहले लिख लेना कि जो लिगेंड्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं। लिगेंड्स बिहेव लाइक अ लेविस बेस। ये लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? बेस का लेविस बेस कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। और जो सेंट्रल मेटल एटम था वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सेंट्रल मेटल जो एटम है आपका,
किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव लाइक अ, बिहेव लाइक अ लेविस एसिड, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेविस एसिड किसे बोलते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो लेविस एसिड है। और लेविस बेस किसे बोलेंगे? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसे कहते हैं लेविस बेस। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं ये, इसको हम लेविस बेस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह बिहेव करते हैं? लेविस एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेविस एसिड, और डोनेट करेंगे तो लेविस बेस हो जाएगा। सर एक बार ये वाला पार्ट वापस समझा दो। तो लिगेंड्स किसे बोलते हैं और लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेंगे? तो लिगेंड जो बिहेव करते हैं वो किसकी तरह करते हैं? लिगेंड्स को हम कहते हैं लेविस बेस कहते हैं हम इसको, लेविस बेस। लेविस बेस किसे कहते हैं? जो डोनेट करता है। किसे डोनेट करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसे कहते हैं लेविस बेस। तो लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस बेस की तरह, ठीक है। और ऐसी जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह बिहेव करेगा? तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो बिहेव करता है किसकी तरह? लेविस एसिड की तरह। लेविस एसिड किसे बोलेंगे? जो एक्सेप्ट करते हैं इसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो एसिड भी वही काम करता है और सेंट्रल मेटल एटम भी वही काम करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये याद रखना आपने, सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस एसिड। तो क्वेश्चन आएगा अगर कि व्हाई सेंट्रल मेटल एटम बिहेव लाइक अ लेविस एसिड, तो उसका आंसर क्या होगा? बिकॉज इट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक लेविस एसिड। अगर आ जाएगा कि लिगेंड्स बिहेव लाइक अ लेविस बेस व्हाई, तो आंसर होगा बिकॉज इट डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक लेविस बेस, दैट इज व्हाई, ठीक है। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें आपका, सर एक मिनट लिख रहा हूं मैं, लिख लीजिए। यस सर। अब इसमें नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, इस टाइप के कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड क्यों होते हैं, इनका यूज क्या है नेचर में? इसके देखो, जैसे कि पर्सन होता है ना, हर एक तरीके का आदमी मिलेगा आपको, मिलेगा। Yes, sir. तो फिर आप अगर ये कहोगे कि ये इस टाइप का क्यों है, वो तो उसकी उसका नेचर है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
तो कंपाउंड तो बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, हम उसे पहचानते हैं, फिर हम बोलते हैं किस टाइप के, तो हम उसे कैटेगरीज वाइज कर लेते हैं। जैसे क्लास स्कूल होगा, स्कूल में क्या करते हैं, किस क्लास में बच्चों को अरेंज करते हैं, तो किसके बेस पे अरेंज करेंगे, कई बार अलग अलग तरीके से। तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा इस तरीके से क्यों है, क्योंकि वो तो नेचर में है, तो नेचर में हर तरीके के लोग क्या है, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इसके कंपाउंड के यूज बहुत सारे हैं, बनाए जाते हैं, तो इसके यूज हैं बहुत सारे। जैसे अभी आप आगे पढ़ते जाओगे तो इसके यूज आप देखोगे, इसके एप्लीकेशन पार्ट में आ जाएगा, इसके यूज क्या क्या है। ठीक तो टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो उन जितने कंपाउंड होते हैं उसमें एक टाइप ये भी, क्योंकि तो नेचर में मिलता है ना, कोई भी चीज क्या होती है, जब नेचर में मिलती है तब हम पता लगाते हैं इसमें क्या था, ऐसा इसमें क्या चीज है, वो हम खोजते हैं, तब उसे हम कैटेगराइज कर देते हैं। तो हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, इस टाइप के बहुत सारे कंपाउंड एक साथ मिले, तब हमने उन्हें कैटेगराइज करके क्या किया, एक पूरे चैप्टर में बना दिया। तो उसका जो पूरा चैप्टर है उसे हमने इसमें कर दिया। तो पहले इसको अलग एक साथ ही पढ़ते थे, अब इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया कि जितने भी इस टाइप के कंपाउंड है हम उसे इस उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? नहीं आई? यस सर। अब इसमें एक वर्ड आता है, देखो डेंटिसिटी, डेंटिसिटी होता है या डेंटेट होता है, जिसको हम आगे यूज करेंगे वर्ड, ये बना है डेंट से, इसका मतलब होता है टूथ, दांत। जैसे मैंने कहा यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, तो डेंटेट का मतलब दांत, यानी नंबर ऑफ डोनर एटम। इन सिंपल वे में कहेंगे हम लोग नंबर ऑफ डोनर एटम। अब किसमें कितने डोनर एटम है तो डिपेंड करेगा, अलग अलग तरीके के कंपाउंड होंगे, तो उसमें कितने डोनर एटम है। लिगेंड का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। अब हो सकता है एक कंपाउंड में एक ही डोनर एटम होगा जो डोनेट करेगा, हो सकता है किसी कंपाउंड में दो होंगे, किसी में तीन होंगे, किसी में चार होंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से, तो डेंटेट वर्ड क्यों लिया उन्होंने, डेंटेट का मतलब वर्ड होता है टूथ, यानी दांत, उसके कितने दांत है, यानी कितने तरीके से डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया डेंटिसिटी का। तो डेंटिसिटी से ही वर्ड आया यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट। तो इसको जो टाइप्स को डिवाइड किया गया वो कैसे किया गया, यूनि या मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट भी कह सकते हैं, मोनोडेंटेट। तो इससे आपको पता चल रहा होगा यूनि का मतलब क्या होता है, वन, यानी जिसमें एक डोनर एटम होगा, ऐसी डाइडेंटेट या बाइडेंटेट। ठीक है, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, इसका मतलब क्या होगा, जिसमें दो डोनर एटम हो गए तो उसको क्या नाम देंगे, बाइडेंटेट। ठीक है, बाइडेंटिटी। ऐसे अगर तीन डोनर एटम हुए तो क्या बोलेंगे उसके लिए, ट्राइडेंटेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ऐसे अगर फोर हो गए तो बोलेंगे उसके लिए टेट्राडेंटेट, फाइव के लिए पेंटा, सिक्स के लिए हेक्सा, ऐसे बढ़ते चले जाओ, फिर हम हेक्सा में ही आ जाते हैं सीधा, क्योंकि आपके पास हेक्सा वाला ज्यादा आता है, हेक्साडेंटेट, पेंटा का नहीं आता, कम आता है। और लास्ट में हम कह सकते हैं पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरीके से कई आप कर सकते हो। पॉलीडेंटेट हो सकता है, फिर एम्बीडेंटेट हो सकता है, और फ्लेक्सीडेंटेट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे टाइप के इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो 6 7 8 है तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, और एक है इसमें एम्बीडेंटेट, जैसे एम्फीबियन बनता है ऐसे बनता है एम्फीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का मतलब होता है, होता तो एक ही डोनर एटम है लेकिन दो डोनर साइट होते हैं, जैसे CN होता है, ये C से भी डोनेट कर सकता है, N से भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम में एक से डोनेट करेगा बस, दो से डोनेट नहीं कर सकता है। चिलेटिंग होता है, चिलेटिंग का मतलब जो रिंग बना देते हैं, और रिंग जो बनाते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो उसे कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। एक होता है फ्लेक्सीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, फ्लेक्सी का मतलब होता है उसके अलग अलग एटम से वो कहीं से भी डोनेट कर सकता है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये फ्लेक्सीबल होते हैं, यानी कहीं से भी डोनेट करो वो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा कि
सीओ टू है, कार्बोनेट हो गया सीओ टू माइनस। तो अब ये कार्बन डोनेट करे या ये वाला कार्बन डोनेट करो, दोनों एक ही जैसे फ्लेक्सिबल है। ये वाला कार्बन करेगा वन वाला तो भी सही है, टू वाला तो भी सही है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे कहते हैं फ्लेक्सीडेंटी। तो टाइप ऑफ लिगेंड्स हो गए बहुत टाइप के, यूनिडेंटेड, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पॉली, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड एम्फीबियन से बना हुआ है, एम्फीबियन का मतलब जो पानी में भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है सर, लैंड में भी। हाँ तो ऐसी ये है एम्बीडेंटेड का मतलब जो सी से भी डोनेट कर सकता है एन से भी, यानी है ये यूनिडेंटेड, एक टाइम में एक ही डोनेट करेगा लेकिन दो अलग अलग एटम से डोनेट कर सकता है। चिलेटिंग का मतलब जो रिंग फॉर्मेशन करेगा। फ्लेक्सी का मतलब वो किसी भी एटम से करेगा, दोनों एक जैसे, तो फ्लेक्सी आ जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो इस वन वाले ओ से करे चाहे वो टू वाले ओ से करे। ऐसे SO4 होगा, SO4, तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे भी दो माइनस हो गए। अब ये वाला S फ्लेक्सिबल है, चाहे ये वाला O से करे चाहे ये वाला O से करे, किसी से भी करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो उसे कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। इसे लिख लो, वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, और भी आपको मैं अभी दूसरा PDF भेज रहा हूँ, इसमें इसका इसके सारे कंपाउंड लिखे हुए हैं, उसके नाम है अपने याद करने, मेन इसमें नहीं है बस। ओके ये लिख लिया आपने सर, वन मिनट। बोर्ड के रिस्पेक्ट से ये वाला इम्पोर्टेंट है, एम्बीडेंटेड ये पूछ लेता है आपको। एम्बीडेंटेड पूछा हुआ उसने कि व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सर एक बार एम्बीडेंटेड और हेक्साडेंटेड समझा दो वापस से। नहीं अब मैं शुरू से समझाऊंगा, आप लिख लो पहले से, फिर ये वन बाय वन आएंगे सब। ओके सर। हाँ इसे लिख लो जल्दी जल्दी, फिर इसके एग्जांपल आएगा, डेफिनेशन आएगा, तो सबके लिए आएंगे। तो इसका ये पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर आइसोमेरिज्म और IUPAC नॉमनक्लेचर, VBT, CFT और EAN। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर भी बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी ही होगा, लेकिन इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर से करते हैं इसलिए ज्यादा टाइम लगता है इसमें। देखो वन बाय वन इसको तो हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। पहला हेडिंग लिखो यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट, यूनि या मोनो। यूनि से हमें पता चलता है यूनि का मतलब होता है वन, या मोनो का मतलब होता है वन। तो यूनिडेंटेट लिगेंड्स इसके बहुत सारे हैं और ये एग्जाम में आपके पास अब यहां से आएंगे लास्ट तक के भी। तो यूनिडेंटेट किसे बोलेंगे, द लिगेंड विच हैव द लिगेंड विच हैव Which have one donor atom, one donor atom, ठीक है, जिसमें एक ही donor atom होता है। Example के लिए जैसे मैंने कहा H2O, तो इसमें एक ही donor atom है, कौन है, oxygen, ठीक है। एक ध्यान रखना, एक ही lone pair को करेगा donate, दो को नहीं करेगा। इसके पास दो है तो इसका मतलब ये थोड़ी के दोनों को कर दे, एक केवल एक को ही donate करता है बस। तो इसे कहते हैं यूनिडेंटेट, एक ही करेगा। इसका नाम होता है एक्वा, वाटर नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, इसे एक्वा।
ऐसी NH3 एक लोन पेयर है यहां पे, इसे कहते हैं एमाइन। इसके अलावा Cl- इसको कहते हैं क्लोरो या क्लोरीडो, एनसीईआरटी में क्लोरीडो को ज्यादा प्रिफर करता है, क्लोरीडो, क्लोरो भी कह सकते हैं कोई गलत नहीं है, क्लोरीडो भी है, ठीक है। ऐसे Br हो गया आपका, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे इसमें आते हैं, नाइट्रो आता है, नाइट्रीटो आता है, इसके बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पे आते हैं, नाइट्रो हो गया। तो आपको इसमें क्या याद करना है, देखो इसमें आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, आपकी बुक में भी एक टेबल होगी, आपको मैं अभी एक PDF भेजता हूँ, उसमें भी क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे वही आएगा आपके पास जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर -1, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर -1, इस तरीके से कंपाउंड आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद करने हैं, मेन यही है इसमें, क्योंकि नॉमन क्लेचर में काम आएगा, और नॉमन क्लेचर आपके पास हर साल आता है 2 नंबर का, इसका भी नॉमन क्लेचर और IUPAC का नॉमन क्लेचर, ये हर साल पूछा जाता है 2 मार्क्स में, इसलिए इसको किसी भी हालत में याद करना है। इसे कहते हैं नाइट्रेटो, तो ये नाम आपको हर एक के याद होने चाहिए, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट और नेम दिए हुए हैं, क्योंकि IUPAC में काम आएगा आपके पास, बिना IUPAC के आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको सर पूरा, ये H2 और NH3 न्यूट्रल होते हैं ना? हाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जो भी न्यूट्रल होंगे उसका 0 होगा, न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, और जिसमें कोई चार्ज, जैसे CN हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, CN को क्या कहते हैं, साइनो या साइनिडो, इसका -1 होता है, साइनिडो, NCERT साइनिडो, क्लोरिडो, ऐसा वर्ड ज्यादा यूज करता है, लेकिन साइनो भी हम कह सकते हैं शॉर्ट में, साइनो भी गलत नहीं है, और इसका -1 होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है आपके पास, सभी आएंगे। तो यूनि या मोनोडेंटेट लिगेंड किसे बोलेंगे, कि द लिगेंड विच हैव वन डोनर एटम्स या वन डोनर साइट, एक ही साइड होती है जो डोनेट कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, किसके पास 3 है तो आप सोचोगे तीनों डोनेट करेगा, वो केवल एक को ही डोनेट कर सकता है, यानी एक लिगेंड केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, चाहे उसके पास कितने भी हो, इससे मतलब नहीं, उसकी कैपेसिटी केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट करने की है बस। यस सर। इसके बाद आता है ऐसी बाइडेंटेट, तो बाइडेंटेट किसे बोलेंगे, या डाइडेंटेट किसे बोलेंगे, विच है द बाइडेंटेट लिगेंड किसे बोलेंगे, विच है द लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम, उसी के नाम से तो रखा, डाई या बाई का मतलब क्या है, विच हैव 2 डोनर एटम, इसके पास 2 डोनर एटम होंगे, 2 डोनर साइट होंगे, डोनर एटम, उसे कहेंगे डाइडेंटेट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, इसका एग्जाम्पल है ऑक्सलेट, तो मेन यही है आपको जो याद करना है, इसका 2- होता है, तो ऑक्स, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्सलेटो, ऑक्सैलिक एसिड से मिलके बनाई है, ऑक्सैलिक एसिड सुना आपने, इसका -2, तो कैसे होता है, देखो COO- और COO-, तो ये यहाँ से भी डोनेट करता है, यहाँ से भी, दोनों डोनेट कर सकते हैं, इसलिए पहला एग्जाम्पल हो गया इसका। एक आपने EN सुना है, EN का नाम, EN, ये पहले कभी आया था कि नहीं आया था पता नहीं है मुझे, इसे कहते हैं इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमाइन, इथाइलिन डाईएमाइन, तो डाई एमाइन का मतलब इसके पास 2 एमाइन ग्रुप हैं, एक NH2 ये हो गया, एक NH2 ये हो गया, इथाइलिन का मतलब इसमें इथाइलिन ग्रुप है, CH और ये CH2, ये इथाइलिन हो गया। अब डोनेट कौन करेगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से डोनेट करते हैं,
नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो ये नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है, तो इसके पास दो क्या है, लोन पेयर है, तो दो डोनर एटम हो गए। इसको शॉर्ट में कहते हैं EN। इसका चार्ज कितना होता है, जीरो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा हर बार, क्यों, क्योंकि ये पूरे बुक में आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा डाइडेंटेट वाले कौन है, ट्राइडेंटेट वाले कौन है। ठीक है, जनरली ये दो ही बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही डाइडेंटेट में दोनों ही बहुत आते हैं, बाकी का नहीं आता है। सर हाँ सर इसका नाम इथिलाइन 1,2-डायमीन है ना EN में। सर हाँ 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 IUPAC नेम देखेंगे तो वही है, आपने सही कहा। अगर वो ही लिखे IUPAC नेम तो चलेगा उसमें EN की जगह? हैं सर EN की जगह IUPAC नंबर लिखे, नहीं नाम लिखे तो नहीं चलेगा? शॉर्ट फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म। ओके सर। जब आप नॉमनक्लेचर करोगे ना, तो नॉमनक्लेचर में यही आएगा आपके पास। अब नॉमनक्लेचर कैसे आएगा उसको भी आपको मैं बता देता हूं, पहले से लिख लो। सर अब देखो नॉमन क्लेचर में कैसे आएगा आपके पास, नॉमन क्लेचर में यहाँ पे क्या लिख देंगे, वो बोलेंगे Fe और यहाँ पे लिखेंगे EN का 3 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे समझ में। तो अब क्या होगा, अब EN आपको पहचानना पड़ेगा और यहाँ पे लिख देंगे SO4। तो अब आपको EN का नाम लिखना पड़ेगा। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम अभी आपने किया क्या था, इथाइलिन या फिर इथेन 1,2-डायमाइड। इसको हम क्या कर सकते हैं, इथेन 1,2-डायमाइड। तो अब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन जब नॉमन क्लेचर हो तो आपको क्या लिखा होगा वहां पे, EN लिखा होगा, है ना। तो EN का मतलब क्या हुआ, इथेन 1,2-डायमाइड EN। तो आपको यहां से समझना है, तो नॉमन क्लेचर में आपको ये पूरा नाम नहीं लिखा होगा बल्कि शॉर्ट फॉर्म दी होगी। ठीक है, और ये 3 है तो इसके लिए ट्रेस आ जाता है, ट्रेस। उसके बाद फिर इसको आयरन वगैरह लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये आयरन, और उसके बाद फिर ये सल्फेट आ जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो इस तरीके से नॉमन क्लेचर आता है। जैसे आपका दूसरा ओके क्या है, सर। हाँ जैसे ऑक्सीलेट है, तो ऑक्सीलेट के लिए ऐसे भी लिखा जाता है, देखो C2O4 भी लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, या फिर कई बार वो ये नहीं लिखेगा, वो लिखेगा ऑक्सलेटो, ये लिख देगा। समझ में आया, तो आपको पहचानना पड़ेगा ये OX का मतलब क्या हुआ, OX OX का मतलब क्या है, ऑक्सलेट से है। इसके शॉर्ट फॉर्म को यूज कर लेता है कई बार नॉमनक्लेचर के लिए। ठीक, तो नॉमनक्लेचर के लिए OXO आ जाता, OX आ जाएगा, ऑक्सलेटो के लिए सिंपल वर्ड यूज कर लेते हैं। तो ये आपको याद होगा तब आप इसको अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब वहां पे आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके सर। यस तो सर। हाँ, तो मैं आपको PDF भेज रहा हूँ कि उसको देखो आप नॉमन क्लेचर के लिए, आज पढ़ो इसे। ठीक है, तो अभी संडे और मंडे 2 दिन छुट्टी है ना, यस सर, कल से छुट्टी है हमारी। हाँ तो मैं आपको इसमें अलग टाइम में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक ठीक है फिर, है ना। सर कल सेम हाँ कल सेम टाइम टाइमिंग पे, पे रखना है? हाँ। ओके सर। ओके, थैंक यू सर।